आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी का सीन कुछ ये है, अभी हम बैठे हैं प्रेजेंट टाइम में अमृतसर में, तो अभी हमें जाना है वाघा बॉर्डर जहाँ पर सेरेमनी होती है वहाँ पर। तो आज का टाइम था 4:15, हमने देखा था जा रहे हैं पहले वाघा बॉर्डर और वहाँ पर सेरेमनी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे अच्छे से। तो चलो चलते हैं, सेरेमनी देखते हैं फिर आगे की बात। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अटारी बॉर्डर के लिए ऐसे बता रहे हैं, इसी हम वाघा बॉर्डर बोलते हैं, यहाँ पर अटारी बॉर्डर लिखा हुआ इस तरफ से है। तो अभी चलते हैं उस तरफ। ये बचा है 16 किलोमीटर, आप देख सकते हैं 16 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है। तो हम जा रहे हैं, देखते हैं 4:15 अभी स्टार्ट हो जाएगी, अभी 4 फिक्स हो गए हैं, 15 मिनट हैं अभी, देखते हैं पहुंच पाते हैं या नहीं, आपको भी दिखाएंगे। ये रास्ता जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल 15 किलोमीटर स्ट्रेट, कोई ऐसा मोड़ नहीं है इसमें, बिल्कुल सीधा है, सीधा वाघा बॉर्डर तक पहुंचता है और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा, यहाँ से ओनली फॉर 1 किलोमीटर है। और ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ये भारत का फ्लैग है और ये नीचे पड़ा है ये पाकिस्तान का है। अभी चलते हैं अंदर, अभी हम गाड़ी को पार्क करके अब निकल गए हैं सेरेमनी की तरफ। तो यहाँ से अब आगे दिखते हैं, आप देख सकते हैं हम पास में आ गए हैं और ये फ्लैग दिख रहे हैं आपको दोनों देशों के, ये इंडिया का फ्लैग है और वो उस तरफ पाकिस्तान का फ्लैग है। और यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, ये है पार्किंग गाड़ियों की, हमने गाड़ियों को पार्किंग लगा दिया है और अब चलते हैं अंदर। आगे जा सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं लोगों को भागना पड़ेगा, टाइम पूरा हो गया है और सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी अभी और भागना पड़ेगा, 4:15 का टाइम है। हम पहुंच गए हैं बॉर्डर के ऊपर, गेट देखने पर यहाँ से एंट्री होती है आपके अंदर और यहाँ पे भी एक बार चेक इन करते हैं उसके बाद फिर अंदर एंट्री करते हैं। अब पहले चेक करा दो उसके बाद आपसे मिलते हैं वापस। एवं पाकिस्तान रेंजर के जवान एक ही समय में अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान उतारते हैं और आज इस परेड के नेतृत्व कर रहे हैं श्री नीरज कुमार असिस्टेंट कमांडर और उनके साथ में सब इंस्पेक्टर राजेश श्याम चौध। हमें आज इस परेड के क्या कमांडर है मुख्य रक्षक अमरेश कुमार सिंह, साथ ही आज की स्प्रेड पर तो महिला प्रहरियों का भी विशेष शुभकामनाएं है, महिला प्रहरी रीता क्रिकेटा और महिला प्रहरी सीता रानी। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बैठकर आज की इस शानदार परेड का आनंद उठाए। दर्शक भारत माता की जय। किसी भी अन्य नारे का प्रयोग ना करें और जब तक समाप्त ना हो सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, परेड समाप्ति के पश्चात ही अपने स्थान पर छोड़े और स्टेडियम से बाहर निकलने के लिए स्टेडियम के मुख्य द्वार द्वार एवं स्टेडियम में बने एक्सिट वे का प्रयोग करें। एक बार प्रश्न आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कृपया परेड समाप्ति तक सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। साथ ही आप सभी दर्शकों से निवेदन है आपके द्वारा जैसी भी अटारी में ली गई फोटोज और वीडियोस को जब भी आप सोशल मीडिया पर अपलोड करें तो कृपया आप बीएसएफ पंजाब के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को टैग करना ना भूलें। आपके द्वारा पोस्ट की गई बेस्ट फोटोग्राफ्स और वीडियोस को बीएसएफ पंजाब के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया जाएगा। धन्यवाद। अब
बात।
इनके राष्ट्रीय ध्वज से उतारते समय ध्वज के सम्मान में अपने व्यवस्था को खड़े हो जाए। साथियों दौरान शांति में रखे तथा किसी भी नारे आदि का प्रयोग ना करें। वे दर्शक समझे हैं उनसे निवेदन है कृपया राष्ट्रीय ध्वज को शुरू करें। अब आप मेरे साथ तो दोस्तों ध्वज को उतारने का टाइम हो गया है। ध्वज को नीचे उतार रहे हैं। फोटो खिंचवा रहे हैं उसके बाद फिर रवाना हो जाएंगे। आपको कैसा लगा? लोग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।